बीवी यहाँ पे मौजूद है, मुझे बाहर जाना पड़ा बात करने के लिए, उसको शक हो गया है। तो आप दूर कर देना उनका शक। आप उन्हें बता दें कि एक लड़की आपकी दीवानी हो गई है, आपसे बहुत मोहब्बत करती है और आपसे शादी करना चाहती है। ये सब कुछ महविश बीवी की वजह से हो रहा है। पता नहीं साहब से वो क्या क्या बातें करती है, उसकी वजह से साहब टेंशन में आ जाते हैं और ये एक्सीडेंट भी उन्हीं की वजह से हुआ है। नहीं सकिया, मेरी एक बात और से सुनो। अब ये बच्ची ना तुम्हारे घर में मेरी अमानत है, मेरी ये बहू रानी है। इसे अगर इस घर में जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो समझ लो मैं तुम्हें अच्छी तरह पूछूंगी। खताकार हूं। खताकार हूं। सर मैं आपकी चाहने वाली रात 2 बजे आपको कॉल करूंगी, जब बड़ी भी और उसके प्यारे प्यारे बच्चे सो चुके होंगे और हम खुलकर बात कर सकेंगे। हेलो। हेलो, पता था मुझे, पता था कि आप सारी रात मेरी कॉल के इंतजार में जाके होंगे। आखिर मेरे दिल में आपके लिए जो मोहब्बत है इसका एहसास तो आपको होना ही था। आवश, I must say कि मैं तुमको समझ नहीं पाया अब तक।
वो तो आप नहीं समझ सकेंगे। आप डरते जो हैं, मैं जानती हूँ फसी साहब कि आप अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। और जिस इंसान के दिल में डर होता है ना, उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। अगर मैं गलत नहीं समझ रही तो इस वक्त यकीनन आप अपने घर के वॉशरूम में मौजूद होंगे। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मेरे दिल में तो कोई डर नहीं, मैं तो क्रिस्टल क्लियर हूँ अपने दिमाग में। जाहिर है कि आपको इस बात का डर तो लगता होगा कि रात के इस पहर अगर आपको किसी ने एक जान लड़की से बात करते हुए सुन लिया तो काफी अजीब सा लगेगा। इसीलिए आपको यही गोशाए आफियत मिली होगी। वैसी यकीनन आपके सामने एक बड़ा आईना भी मौजूद होगा। हाँ है, मेरे सामने है। फिर उसमें खुद को देखिए और आज से 25 साल पुराना फसी उसे कंपेयर कीजिए। यकीनन ज्यादा फर्क नहीं महसूस हुआ। ये माविश बात तो ठीक ही कह रही है। और आपने अपने बिस्तर से उठने से पहले अपनी बूढ़ी बीवी का चेहरा भी बहुत गौर से देखा होगा इस चीज का यकीन करने के लिए कि वो सच में सो रही है। उठना जाओ। हाँ हाँ, देखा तो था। अब जरा अपने ख्यालों में अपनी बूढ़ी बीवी के चेहरे को लाइए। उसके साथ साथ मेरा चेहरा भी सोचिए। फिर खुद ही फैसला कीजिए कि कौन सा चेहरा ज्यादा खूबसूरत। ये मालिश बात तो ठीक ही कह रही है। बड़े मियां याद आ रही होगी, इनको एक और झटका देती हूँ ताकि इनको इनकी जवानी और कलंद्रेपन की तरफ वापस ले जा सकूं। मुझे लगता है अम्मी आ रही है। मैं ना थोड़ी देर बाद आपको फोन करती हूँ, अगर उन्होंने देख लिया तो कयामत खड़ी कर देंगी। हाँ हेलो हेलो, इस लड़की ने तो बिल्कुल ही जवानी के भूले बिसरे दिन याद दिला दिए। आज की भी लड़कियां ऐसी ही हैं। क्या हुआ बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ अपसेट लग रहे हैं? जब से अस्पताल से हैं कुछ खोए खोए से लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बस ये है कि रवानगी से पहले मैं कुछ इश्यू से डील करना चाह रहा था लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ जब से एक्सीडेंट हुआ है। बाबा आपने वो नोट्स देख लिए थे जो माविश ने बनाए थे आपके लिए? कौन से नोट्स? कल जो आपके लिए लाया था वो नोट्स? वो वाले? हाँ हाँ हाँ, वो मैं देख लिए थे, काफी हेल्प हुई मेरी उस पे वो नोट से। श्योर। अच्छा, तुम मेरी गैर मौजूदगी में संभाल लोगे ना ऑफिस के मामलात को? हाँ यकीनन, इरफान साहब और माविश ने काफी कुछ समझा दिया है, तो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो पूरी हो जाएगी, डोंट वरी। बाबा आपकी फ्लाइट परसों की है ना?
हाँ बेटा। तो क्यों ना हम सब एक फैमिली डिनर पर चलें, किसी अच्छी सी जगह पर। हाँ हाँ क्यों नहीं, दैट इज अ ग्रेट आइडिया। हम माविश को भी साथ ले लेते ना। अरे हम फैमिली डिनर की बात कर रहे हैं, उसमें गैरों का क्या ताल्लुक है भाई। मामा मेरा मतलब था कि अरसल तुम्हें मामा ठीक कह रही है, फैमिली डिनर है। कौन सी जगह पे चले? What's your favorite place? Up to you guys. चलो मैं ही सोचती हूँ अच्छी सी जगह। माविश तैयार हो बेटा? जी अम्मी, बस दो मिनट और दीजिए ताकि मैं थोड़ी सी और खूबसूरत बन जाऊँ। भाई मेरी बेटी को मजीद खूबसूरत बनने की क्या जरूरत है, तो पहले इतनी खूबसूरत है। हाँ खूबसूरत और खूबसूरत, खानादारी में माहिर और पाबंद है सुमो सलाद वगैरह वगैरह, इसीलिए तो इतना अच्छा रिश्ता आया है। अरे लड़की तुम बिना बस अम्मी। आप खुश तो हैं ना, मैंने यासिर के लिए हाँ बोल दिया। हाँ मेरी बच्ची मैं खुश हूँ, तुमने अच्छा फैसला किया। अच्छा बेटा मुझे तुमसे कहना था कि देखो अर्जुमन लाख तुम्हारी खाला सही, यासिर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब तुम्हारा उनसे जो रिश्ता बन गया है ना, उसकी वजह से तुम्हें बहुत मोहतात रहना चाहिए, बहुत एहतियात करनी चाहिए बेटा, उनकी इज्जत करना सीखो। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, आज से मैं खाला को खाला नहीं सासू माँ कहूंगी, और उनके सामने तो ना मैं घूंघट काट के जाया करूंगी, नजरें उठा के भी नहीं देखूंगी। और यासिर नहीं, बल्कि जब उनसे बात करनी होगी ना तो मैं उन्हें ऐसे बुलाऊंगी, सुनिए जी जी। मजाल है जो तुमसे कोई बात की जाए और उसका सही जवाब मिल जाए, फजूल है बात करना, हर वक्त तुम मेरा मजाक उड़ाती हो। अम्मी एक तो ना आप सिर्फ मुझ पे शक करती रहती हैं। जरा गौर तो करें, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, लेकिन आप बस हर वक्त सिर्फ शादी शादी करती रहती हैं। ये तो है, मेरी बेटी हमेशा मेरी बात मानती है। गुड़िया अच्छा चले अब हम लेट हो रहे हैं। हाँ माँ आपको कोई माविश की बात बुरी लगी है? क्या मैं अपनी बेटी को अपना हमराज बना दूं और उसे बता दूं कि मुझे शक है कि महाविश एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही है? नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, फंसी की ना पोजीशन मेरे बच्चों के सामने बहुत गिर जाएगी, इट्स नॉट गुड। जो भी है ना मुझे खुद ही ये मसला हल करना पड़ेगा। मामा आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? धनी बेटा मैं माविश के बारे में परेशान हूँ, फिक्रमंद हूँ। फिक्र? कैसी फिक्र? पता नहीं क्यों वो मुझे इतनी सीधी और मस्कीन नहीं लगती जितनी शुरू में लगती थी। हमारे साथ क्या हो गया कि आप इस तरह से सोच रही हैं? नहीं बेटा तुम्हारा भाई बहुत ही भोला है और ये लड़की बहुत तेज है, मुझे डर है कि ये मेरे बेटे पे कब्जा करके ना उसे हमसे दूर ना कर दे। नहीं नहीं मामा ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं माविश को जानती हूँ, वो इस तरह की लड़की नहीं है कि ससुराल में आके शोहर पे कब्जा कर लिया कोई पॉलिटिक्स के लिए। हाँ मामा बल्कि
उसकी तो आदतें इतनी लड़कों जैसी हैं कि उसको बाहर की दुनिया, ऑफिस, काम वगैरह इन सब में इंटरेस्ट है। और बाबा तो खुद चाहते हैं कि वो उनके ऑफिस में काम करे। इनफैक्ट वो तो भाई से शादी भी नहीं करना चाहती थी। वो तो मैं हूँ जो चाहती हूँ कि वो इस घर की बहू और भाई की बीवी बने। यही तो मुझे शक है कि वो तुम्हारे भाई को इस्तेमाल करके तुम्हारे पापा को, मगर क्यों? हाँ माँ, रिलैक्स हो जाए। सलाम बीवी जी। Hi Arsal, how are you? Fine. How are you? I'm good as well. Arsal, आप एक काम करें, अपनी सारी फाइल्स निकाल के सामने रख लें। हमने कल जहाँ से काम छोड़ा था हम वहीं से शुरू करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके? ओके मैडम। लेकिन क्या ख्याल है हम काम शुरू करने से पहले एक एक कप कॉफी पी लें? अच्छा ओके, लेकिन एक शर्त पे। जी। हम नेक्स्ट टी ब्रेक तक सिर्फ काम काम और काम करेंगे। ठीक। अच्छा मैं अपने डेस्क पे जा रही हूँ। ओके। रजी चाचा। आप आज बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो आज घर पे आराम कर रहा हूँ। क्या कोई काम है? जी, डेंटिस्ट के जाना है। आप तो जानते हैं अकेले जाते हुए मुझे डर लगता है, तो अगर आप मुझे ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। मैं तैयार हो जाती हूँ। ओके। मौका देखकर मुझे कॉल कर ले, रात बात अधूरी रह गई थी। अब जरा अपने ख्यालों में अपनी बूढ़ी बीवी के चेहरे को लाइए और उसके साथ साथ मेरा चेहरा भी सोचिए। फसी, मुझे लगता है अम्मी आ रही है। मैं ना थोड़ी देर बाद आपको फोन करती हूँ, अगर उन्होंने देख लिया तो कयामत खड़ी कर देंगी। हाँ महबूश, यू नो शुरू में मैंने बहुत रेजिस्ट किया। आई मीन आई ट्राइड वेरी हार्ड टू रेजिस्ट, लेकिन आई टेल यू ऑनेस्टली, तुम जीत गई, मैं हार गया। खताकार हूँ, खताकार हूँ। सर वो मेरे अंकल की कॉल आई है, मैं बस 2 मिनट बात करके आई। हाँ ठीक है। हेलो सर, तुम्हारा एसएमएस मिला मुझको अभी। आप कल जा रहे हैं?
बहुत मसरूफ होंगे, इसलिए शायद ऑफिस भी ना आए आज। प्लीज अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझसे कहीं लंच पे मिल सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। देखो, तुमसे रात को बात करने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन तुम जो चाह रही हो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। मैं समझ सकती हूँ सर कि जो मैं चाहती हूँ वो नामुमकिन है। जाहिर सी बात है, चांद की ख्वाहिश करने का मतलब ये तो नहीं कि चांद आपकी गोद में आके गिर जाए, लेकिन आप कम से कम उसे देखने की ख्वाहिश तो कर सकते हैं ना। अच्छा, आप ये सब बातें छोड़े, आप मुझसे मिलेंगे ना, हो सकता है कि कोई रास्ता निकल जाए। कैसा रास्ता? देखिए सर, बात ये है कि अगर आप हक रखने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई ऐसा अरेंजमेंट कर लेंगे कि आप 24 घंटे में से 23 घंटे अपनी उस 25 साल पुरानी बीवी के साथ रह सकते हैं। बस एक घंटा, सिर्फ एक घंटा आप मेरे लिए निकालिए, जहाँ हम लोग सारी दुनिया की फिक्रें भुला के एक दूसरे के साथ चंद लम्हे गुजार सकें। सर आप क्या सोच रहे हैं? अगर किसी को पता चल गया तो? नहीं, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं सब हैंडल कर लूंगी। लेकिन ये सारी बातें फोन पे तो नहीं हो सकती ना, इसलिए कह रही हूँ कि आप प्लीज मुझसे मिल लें। अच्छा, मुझे मारो को लेके जाना है डेंटिस्ट के पास, वहां से फारिग होकर मैं तुम्हें फोन करता हूँ। Really? I love you, Pussy. मारुख, आपसे कहा है ना डॉक्टर ने कि आप आइसक्रीम खाइए ताकि आपका जख्म जो है जल्दी हील हो जाए, तो प्लीज जल्दी खत्म कीजिए ना इसको। आपने माविश के बारे में क्या सोचा है? क्या सोचना है मुझे माविश के बारे में? अरे आप भूल गए मैंने क्या कहा था? मैं समझती हूँ बहुत ही चलाक और तेज लड़की है, तो पता नहीं अरसल का सहारा लेके क्या क्या करने लगी है वो। माविश ठीक ही तो कहती है, ये मारुख के चेहरे पर किस कदर बुढ़ापा आ गया है, क्योंकि मैं इसके मुकाबले में अब तक कितना बेहतर लगता हूँ महाविश के साथ। लेकिन अरसल, यहाँ भी महाविश का कहना दुरुस्त है, मुमकिन है कि अरसल महाविश की हम उम्र हो, मगर दोनों में कितना फर्क है। महाविश कितनी मच्योर है और अरसल तो उसके सामने जहनी तौर पर दूध पीता बच्चा महसूस होता है। फसी, क्या आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? पता नहीं आप कहाँ खो जाते हैं, क्या खैरियत है, क्या सिलसिला है ये? क्या तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो? कौन सी मैं सोच में गुम रहता हूँ? मैं जाहिर सी बात है अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ, अपनी ट्रिप्स के बारे में सोच रहा हूँ, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो यार? पहली बार तो नहीं बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं आप, आप कई बार गए हैं ट्रिप पे, इस ट्रिप पे क्या खास बात है कि आप इतने परेशान हो रहे हैं? मारो, वो जब तो तुम ट्रीटमेंट करवा रही थी तो उस वक्त एक साहब का फोन आया था, बिजनेस मीटिंग करना चाहते हैं, अच्छी डील हो सकती है, तो मैंने उसे हाँ कर दी है, मैं उसे मिलने जा रहा हूँ। तुमको मैं घर पे उतारूंगा, उनसे मिलने चला जाऊंगा, उसके बाद शाम में आ जाऊंगा। चल तो आप अभी चले जाए, कोई मसला तो नहीं है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? लेट्स गो।
माविश, माविश, क्या हुआ? सब ठीक? नहीं अरसल, अंकल आंटी का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। क्या? मामा और बाबा में? उनका तो मुझे पता नहीं, मेरे अंकल आंटी का, जिनका अभी भी फोन आया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बहुत इस हद तक बढ़ गई है कि आंटी तो घर छोड़ के जा रही हैं। मुझे जाना चाहिए ना? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने से सब सॉल्व हो जाएगा? अंकल मेरी बात तो बहुत सुनते हैं, हो सकता है मैं जाऊं तो कोई हल निकल आए। फिर तो तुम्हें जाना चाहिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि किसी का घर टूटने से बच जाए। यू शुड गो, बल्कि अभी जाओ, काम मैं कर लूंगा, तुम जाओ। हाँ अरसल, कहते तुम ठीक रहे हो, मैं तो भूल ही गई, मैंने अंकल से कहा था कि वो मुझे घर पहुंच के कॉल कर दें, तो मैं कितनी टेंशन में आ गई। बस जब तक उनकी कॉल आती है हम लोग कुछ काम निपटा लेते हैं। ठीक है। की बात कैसे टाली उन्होंने, और ये अचानक लंच कहां से आ गया? अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। रशीद, माविश दफ्तर में क्या कर रही है अभी? बेगम साहिबा, महविश तो आज सुबह से ही अरसल साहब के साथ बैठी हुई है और दोनों बहुत मसरूफ नजर आ रहे हैं, शायद लंच पर भी नहीं जाएंगे। क्योंकि साहब ने पिज्जा मंगवाया है मुझसे नीचे से। अच्छा, जरा ध्यान रखना। बेगम साहिबा, साहब तो आजकल घर पर हैं, आपको फिक्र क्या है? नहीं, वो अभी कहीं लंच पे निकले, मैं परेशान हो गई थी, शक सा पड़ गया था। बेगम साहिबा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं महविश बीवी पर पूरी नजर रखे हुए हूँ, जैसे भी कोई बात होती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, शुक्रिया। महविश बस करो यार, कॉस्ट, फ्रेट, बैंक इंश्योरेंस, क्या क्या जोड़ते जोड़ते दिमाग पिलपिला हो गया मेरा। अच्छा एक काम करते हैं, हम लंच ब्रेक कर लेते हैं। कहाँ जाएं खाने के लिए? कहीं मंगवा लिया मैंने, काम में इतनी बिजी थी मुझे लगा भूल जाऊंगी, तो मैंने रशीद चाचा को भेज के पिज्जा मंगवा लिया। पिज्जा? हाँ। तुम्हें कैसे पता कि मुझे पिज्जा पसंद है? कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी पसंद ना पसंद जानने। तुम बड़े होने की कोशिश कर रहे हो ना नन्हे चूजे। तो कहाँ है आपका पिज्जा? देर हो गई, इनको मैं कॉल करता हूँ। रजी चाचा, आप भाई हैं? अच्छा भैया बात कराए। हाँ माविश। हाँ सुनो, मैं रेस्टोरेंट के पास आ गया हूँ, आ जाओ तो नीचे आ जाओ। ऑलराइट, सी यू, बाय बाय।
एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। ओके। हेलो। हेलो मावेश, कहाँ हो तुम? मैं बाहर निकली थी ऑफिस के काम से। अरे तो बहुत अच्छा हुआ, क्या हम लंच में मिल सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं अपने बॉस के साथ निकली हुई थी और अभी हमें बहुत जरूरी काम है। अच्छा सुनो, हम डिनर साथ करते हैं। दरअसल मुझे ऑफिस की तरफ से पूरे 25,000 रुपए का बोनस मिला है। तो सोचे क्यों ना अपनी मंगेतर पे कुछ खर्च कर लूं। ये तो बहुत गुड न्यूज है। चलो ठीक है, फिर रात में सेलिब्रेट करते हैं। डन, शाम को मिलते हैं। ओके बाय। किसका फोन था? सेलिब्रेशंस एंड ऑल। अंबर। अंबर कौन? मैं अभी कितनी बेवकूफ हूँ, आपको कैसे पता होगा अंबर कौन? अंबर मेरी कजिन है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। उसको ना उसके ऑफिस की तरफ से कोई कैश रिवॉर्ड मिला है, तो बस इसीलिए डिनर पे सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करें। कैश रिवॉर्ड मुझे क्यों नहीं मिलते यार? हाँ बस कर जाओ ना शुक्र, अभी तो लंच किया तुम्हारे साथ। लंच बहुत नहीं है ना, 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा। वो 1 घंटा जो मैं आपके साथ गुजारती हूँ ना, सिर्फ आपकी मावेश बनके गुजारती हूँ। हाँ मैं यहीं से चले जाऊंगी अपने अंकल के यहाँ। इतनी धूप में कहाँ जाओगी? घर छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। बस कर जाओ, अब मेरा रंग इतना भी कच्चा है नहीं कि इस जरा सी धूप में काली हो जाऊं। लेकिन अगर तुम अंकल ये घर तक मुझे छोड़ने चले गए ना, तो अंकल अपना प्रॉब्लम तो भूल जाएंगे, मुझ पे सब औलाद की बारिश टूट पड़ेगी। कौन है, कहाँ से आया है, तुम्हारे साथ क्या कर रहे हो और तुम्हारा लगता क्या है? ओके, तो मेरे लिए क्या होगी? तुम्हारे लिए हुक्म है कि तुम मुझे ड्रॉप करके यहाँ से सीधा जाना। ओके। यू टर्न पे तुम्हें एक मॉल मिल रहा है। ओके। तुमने इस मॉल में खूब सारी विंडो शॉपिंग करी। ओके। जब तक मैं अंकल से फ्री नहीं हो जाती, तुम्हें ये डिसाइड करना है कि मेरे लिए वापस पे क्या गिफ्ट लोगे। ओके मैडम, हो जाएगा और कुछ? बस अच्छा मुझे रशीद बोलो। बेगम साहिबा, छोटे साहब ने महविश बीवी के साथ अभी लंच किया, फिर उसके बाद चाय, और फिर दोनों एक साथ कहीं बाहर निकल गए। शुक्रिया जी। इसका मतलब है कि कम से कम लंच के बारे में फसी ने गलत बयानी नहीं की। हाँ मानुष बैठो। आप बैठिए ना सर, पहले बैठो। सर थैंक यू सो मच कि आप आ गए, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आप आ गए। लव यू सो मच सर, आई रियली लव यू। महविश, यू नो शुरू में मैंने बहुत रेजिस्ट किया, आई मीन आई ट्राइड वेरी हार्ड टू रेजिस्ट, लेकिन आई टेल यू ऑनेस्टली
तुम जीत गई, मैं हार गया। जीत तो सिर्फ आपकी हुई है सर, आपने तो मुझे ऐसी जगह पे ले जाकर घायल किया है जहां से वापस आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि मैं आपकी हो जाऊं। अच्छा ये बताओ क्या खाओगी? कुछ भी नहीं, आप अपने लिए ऑर्डर कर ले, मैं उसी में से कुछ टेस्ट कर लूंगी, मैं लंच करके आई। लंच कर लिया तुमने? आप आराम से ऑर्डर कीजिए, मैं आपको समझाती हूँ फिर। ओके श्योर। मैं आपको क्या बताऊँ, ऑफिस में आपकी बूढ़ी बीवी ने रशीद चाचा को स्पाइंग के लिए रखा हुआ, वो आप पे और मुझ पे नजर रखते हैं, बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलने से पहले अर्सल के साथ लंच करूंगी। इनफैक्ट मैं यहाँ से भी अर्सल के साथ ही निकल के ऑफिस जाऊंगी ताकि रशीद चाचा को किसी किस्म का कोई सबूत ही नहीं मिले। एक्चुअली माविश यू सो क्लेवर। नहीं सर, मैं क्लेवर कहाँ हूँ, मुझे तो बस आपकी फैमिली लाइफ का बहुत ख्याल है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी फैमिली लाइफ किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो। आप मुझे खुद कर जरूर कह सकते हैं कि मैं आपके साथ कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी किस्म का क्यों ना हो, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे हों या ना हो, मैं आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहती, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ फसी, बेहद मोहब्बत। मैं आपको वो सब कुछ देना चाहती हूँ जो आपकी बीवी उम्र के इस हिस्से में होने की वजह से आपको नहीं दे सकती, या तो फिर शायद बच्चों के बड़े हो जाने की वजह से जो मसाइल हैं उनकी मजबूरियों में घिरी हुई है वो, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको कैसे समझाऊं? I love you, Mom. सच्ची? I'm sorry. मुझे यकीन नहीं आ रहा। खताकार हूँ, खताकार।